हेलो एंड वेलकम टू ऑल। वर्क पावर एंड एनर्जी की स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। यू आर वॉचिंग नाउ जय टेक्निकल क्लासेस। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आज हम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त इंजीनियरिंग व्यवसाय के विषय कार्यशाला गणना एवं विज्ञान की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग कार्य शक्ति और ऊर्जा पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। कार्य वर्क वर्क कार्य की अगर हम परिभाषा बताते हैं तो कार्य के बारे में यह कहा जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल लगाया जाए और वह वस्तु उस बल की गति की दिशा में कुछ दूरी तय करे तब बल और बल के द्वारा चली गई दूरी जो है इसके गुणनफल को कार्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि यदि हम कोई वस्तु लें और यदि उस वस्तु पे कोई बल लगाया जाए, यदि हमने उस वस्तु पर कोई बल लगाया और बल लगाने की वजह से वह वस्तु आगे की ओर कुछ दूरी तय कर ले, अगर आगे की तरफ चल के कुछ दूरी तय कर लेती है तो उस वस्तु पर लगाया गया जो बल है और उस वस्तु द्वारा चली गई जो दूरी है अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी हमें उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसका यहाँ पे जो फार्मूला यूज किया गया है वह है W=F×D। यानी F जो है वह उस वस्तु पर लगाया गया बल है और D डिस्प्लेसमेंट यानी उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी यहाँ पर दिखाएगा। अब हम बात करते हैं यदि कोई फोर्स किसी पर्टिकुलर एंगल पर वर्क करती है, जैसे कि पहले जब हमने बल आगे की तरफ लगाया लेकिन वह बल ऊपर की ओर कुछ थीटा एंगल पर लगाया जाए तो उस कंडीशन पे यह जो लगाया गया बल है दो रिजल्टेंट कंपोनेंट में टूट जाएगा। अब दो रिजल्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? एक जो नीचे डायरेक्शन की ओर होगा उसको हम बोलेंगे F cos थीटा और जो ऊपर की तरफ लगेगा यानी अपवर्ड डायरेक्शन में यह हो जाएगा F sin थीटा। यह तब की कंडीशन है जब हमारा फोर्स जो है वह किसी एंगल पर यदि लगाया जाए तो उस कंडीशन में जो फार्मूला आएगा वह W=F×D cos थीटा। यानी कि तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगर ए सामने की डायरेक्शन में आपको निकालना है और यदि अपवर्ड डायरेक्शन में कोई बल निकालना है तो उस कंडीशन में जो है हमारा ओ साइन थीटा में टूट जाता है। तो इस तरीके से आसानी से जो है हम किसी कार्य को निकाल सकते हैं। किसी कार्य की इकाई जो है वो जूल होती है, इसे जूल से डिनोट करते हैं। सामने दिए गए फिगर में भी कई तरीके के वर्क को दिखलाया गया है, जैसे कि सामने कोई घास काटने वाली मशीन को आगे की ओर उसको मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे की ओर आगे की डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है और इसका जो बल है वह नीचे की डायरेक्शन की ओर इसका बल लगाया जा रहा है। इसी तरीके से एक व्यक्ति जो है वह हाथ में भार लेके खड़ा हुआ है लेकिन वह मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि वो मुंह न करने की वजह से उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वह जीरो होगा। अगर नेक्स्ट वाला देखते हैं तो यह जो व्यक्ति है वह आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मुंह कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति द्वारा कोई ना कोई कार्य जो है वह किया जा रहा है। इसी तरीके से कई एग्जाम्पल्स हैं जो किसी न किसी कार्य को दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक्स है पावर शक्ति। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है
और किस समय से वह कर रहा है। टू यानी एक समय का आंकड़ा अगर इधर आ जाता है तो, यानी डर के साथ अगर हम इसके रिलेशंस को निकालें तो उसको शक्ति कहा जा सकता है। शक्ति का जो फार्मूला होता है वह डब्ल्यू अपान टी होगा। जो डब्ल्यू है वह कार्य को शो करेगा और जो टी है वह समय को दर्शाएगा। तो इस प्रकार से डब्ल्यू अपान टी जो है इसका सूत्र होगा शक्ति का। यदि हम उस डब्ल्यू की जगह पे एफ इंटू एस रख दें तो एफ इंटू एस अपान टी, यह भी एक फार्मूला जो है सामने निकल कर आएगा शक्ति का। अब यहाँ पर F बल को बता रहा है और जो S है वह बल की दिशा में चली गई दूरी को दर्शा रहा है, यानी कि जो बल की दिशा में चली गई दूरी है उसको हमने यहाँ पे S के द्वारा दिखा दिया है। अब हम इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई हॉर्स पावर अश्व शक्ति भी हो सकती है। इसके अलावा इसकी यूनिट जो है वह वाट में भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि वाट भी पावर की एक यूनिट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी यूनिट अगर पावर में हम लेते हैं तो वो वाट में लेते हैं। अब आपके सामने फिगर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पावर को शो कर रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति रनिंग कर रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति रनिंग कर रहा है तो उसमें भी कोई ना कोई पावर होती है। कोई अश्व रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, तो उसमें भी कोई ना कोई पावर होती है। जैसे एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। यहाँ पर बल्ब का भी एग्जाम्पल लिया गया है और उसके अलावा एक कार है, इसमें भी पावर का यूज करके हम इसे आसानी से चला सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनर्जी पे, ऊर्जा पे। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो कार्य करने की क्षमता जो है किसी भी चीज़ में उसको हम इनर्जी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति या मशीन कार्य कर रहा है अथवा कोई मशीन या व्यक्ति कार्य करती रह रही है या कर रहा है वो, तो उसकी वो पोटेंशियल है, उसकी वो क्षमता है, यानी कि कार्य करने की उसकी क्षमता है, उसी को हम इनर्जी कहते हैं। काम करने की उसकी जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, वही उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। अब हम देखेंगे ऊर्जा का संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता है। केवल एक तरह की ऊर्जा का रूपांतर दूसरे रूप में ऊर्जा के रूप में उसका रूपांतर हो जाता है, यानी कि एक ऊर्जा को दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा को ना तो आप नष्ट करोगे ना तो उत्पन्न करोगे, होगा क्या, सिर्फ ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित या परिवर्तित होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर दे रखा है केमिकल एनर्जी। यदि हम केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके से हम किसी भी केमिकल एनर्जी को, यानी कि एक तरह की एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो ऊर्जा के संरक्षण का जो नियम है इन्हीं चीज़ों पे, यहीं पे ये लागू हो जाता है। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, एक लाइट में और दूसरा आपका लाइट एंड साउंड में। जो आप टीवी देखते हैं, एक तरह से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एंड साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा केमिकल एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है। मैकेनिकल एनर्जी का मीन्स कि कोई रॉकेट है, कोई जेट है, अगर इन जेट और रॉकेट में केमिकल फ्यूल को हम फिलअप कर देते हैं, भर देते हैं, तो इससे यह आसानी से मूव करते हैं, चलते हैं।
तो हम यह कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में हो गया। इसके अलावा यहाँ पर दे रखे हैं केमिकल एनर्जी को एज अ फूड, खाना जो होता है, जो हम खाना खाते हैं, इसको भी हम केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, यानी इसको हम केमिकल एनर्जी में यूज कर सकते हैं। और केमिकल एनर्जी में इसको यूज करके हम जो यूज हुआ है एनर्जी टू वर्क, यानी किसी काम को करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वह केमिकल एनर्जी से मिलेगी, यानी फूड से। यह एक पूरी तरीके से एक चेन है जिसमें हम ऊर्जा को किन किन पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, और एक तरह की ऊर्जा का रूपांतरण एक या दो या इससे अधिक हम ऊर्जा जो है उसको रूपांतरित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह ऊर्जा है और यह ऊर्जा के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करेंगे भौतिक रूप में ऊर्जा के प्रकार, यानी कि फिजिकल फॉर्म में एनर्जी के जो टाइप्स हैं वह कई प्रकार के टाइप्स यूज किए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, यानी किसी मशीन में मूवमेंट है और उस मूवमेंट की वजह से ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा भी बोलते हैं। जैसे कार हो गया, क्रेन, मोटर, पंखा, पवन चक्की, यह सभी मैकेनिकल एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि इनसे जो हमें आउटपुट मिल रहा है वह यांत्रिक ऊर्जा के फॉर्म में मिल रहा है। अब सेकेंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा में कंप्यूटर, टेलीविज़न, चार्जर, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो इलेक्ट्रिक पे ऑपरेट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट होते हैं, जो विद्युत ऊर्जा से चलाए जाते हैं, तो ये सभी एक तरह से एग्जाम्पल विद्युत ऊर्जा के हैं। इसके आगे हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा यानी कि ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमें ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होगी, जैसे कि ब्लोअर, हीटर, आयरन प्रेस, टोस्टर, यानी कि विभिन्न प्रकार की ऐसी मशीनें जिससे हमें ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे लाइट एनर्जी की, यानी कि प्रकाश ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा का एक ऐसा फॉर्म हमें प्राप्त हो जिसमें प्रकाश हो, रोशनी मिले, ऐसे डिवाइसें जैसे बल्ब हो गए, टॉर्च हो गया, ट्यूबलाइट, एलईडी लाइट, इन सब से प्रकाशी ऊर्जा प्राप्त होते हैं। ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम आसानी से प्रकाश ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा, जैसे कि हॉर्न, स्पीकर, ड्रम, हेडफोन, रेडियो। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल एनर्जी की, रासायनिक ऊर्जा की। इसके पहले हमने जो आपको डायग्राम दिखाया था उसमें हमने ये देखा था कि एक केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण कई प्रकार के ऊर्जा के रूप में हो जाता था। इसका मतलब कि रासायनिक ऊर्जा को भी हम कई प्रकार से यूज में लाए जा सकते हैं। रासायनिक ऊर्जा के एग्जाम्पल्स बैटरी, सेल, ऑयल, खाना, कोयला, यह सभी केमिकल एनर्जी के पार्ट हैं। इनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा में आसानी से रूपांतरित हो जाता है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय ऊर्जा। इसका मतलब कि चुंबक के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसमें आकर्षण और विकर्षण होते हैं चुंबकीय प्रभाव में, वह चुंबकीय ऊर्जा कहलाती है। और चुंबकीय ऊर्जा आसानी से हम चुंबक और जनरेटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चुंबक का यूज बहुत सारी मोटर चलाई जाती है, उसमें हम चुंबकीय ऊर्जा का यूज करते हैं। इसके अलावा जनरेटर हो गया, यानी कि बहुत सारी अप्लायंसेस बनाए जाते हैं जहाँ पे चुंबकीय ऊर्जा का यूज किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हम बात करते हैं कि बहुत सारे मेडिकल फील्ड की डिवाइसेस होती हैं, जैसे MRI हो गया या हमारे शरीर की जांच करने वाली मशीनें, उन सभी में जो हैं चुंबकीय ऊर्जा का कुछ हद तक हम वहाँ पर यूज करते हैं। तो इस प्रकार से
भौतिक रूप में ऊर्जा के जो रूप हैं उसको आसानी से डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार में सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वह है गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का मतलब यानी कि किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कोई वस्तु मोशन में है, मोमेंट में है, और उस मूवमेंट की वजह से कोई ऊर्जा जनरेट हो रही है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी में यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स में हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई पर्सन है, वह खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक बॉल थी, और उस पर्सन ने क्या किया कि उस बॉल को नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया। इसका मतलब यह हुआ कि इस बॉल के मूवमेंट की वजह से जो भी यहाँ पे एनर्जी जनरेट होगी वह हमारी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए एक इसका फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। यानी एक फार्मूला जो है इसका यूज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं, और वहाँ पर हम हाफ एम वी स्क्वायर का यूज करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करके काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें एम क्या है। एम आपका द्रव्यमान है और जो वी है वह हमारा गति को बतलाएगा, यानी कि उसका जो वेग है वह किस वेग से मूव कर रहा है वह हमारा जो है कि गतिज ऊर्जा को आसानी से डिफाइन कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, यानी कि हिंदी में इसको स्थितिज ऊर्जा नाम से जानते हैं। किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कोई वस्तु अगर खड़ी है, अगर उस पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर उस पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि उस वस्तु पर, उस वस्तु के स्थितिज की वजह से या उस वस्तु पर अवस्था की वजह से जो ऊर्जा होगी या जो ऊर्जा जनरेट होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा वह एम इंटू जी इंटू एच। यहाँ पर m द्रव्यमान हो जाएगा, g गुरुत्व त्वरण हो जाएगा और h उसकी ऊंचाई हो जाएगी। जिस तरीके से एग्जाम्पल में यहाँ पे दे रखा है कि एक पर्सन जो है किसी बॉल को पकड़े हुए हैं, यानी अपनी स्थिति के कारण जो उसमें एनर्जी हो रही है उसको पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है इसके बीच एक बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। यदि कोई पर्सन साइकिल से जा रहा है किसी ऊंचाई वाली जगह पर, यानी कि इसका मतलब यह है कि पहले उसकी मोमेंट की वजह से जो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हमने काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बोला है। अगर वह पर्सन ऊपर जाकर एक जगह रुक गया तो रुकने की वजह से यहाँ पर जो एक एनर्जी होगी उस व्यक्ति में वह पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। इसके अलावा जब वह व्यक्ति नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इस बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी और फिर पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में किस तरीके से एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच में क्या क्या कंडीशन है उस चीज़ को क्लियरली समझ सकते हैं और इसमें रिलेशंस को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति 90 किलोग्राम को खींचकर 10 मीटर तक ले जाता है तो किया गया कार्य आप ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के द्वारा कार्य किया गया है। कार्य करने का मतलब यह है कि यहाँ पर यदि कोई भार है और उस भार को उस व्यक्ति ने
और वह भार 90 किलो का है और उस भार को व्यक्ति ने 10 मीटर तक खींचा। अब आपको यह ज्ञात करना है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। जैसा कि हमने आपको बतलाया है कि कार्य निकालने का एक फार्मूला होता है जो W इज इक्वल F इंटू S, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में चली गई दूरी। अब यहाँ पर जो भी बल लगाया गया है यानी कि 90, उसकी वैल्यू को रखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करके 10 रखेंगे, 10 यानी कि उसके द्वारा चली गई जो दूरी है, और इन वैल्यू को रखकर यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें कार्य मिल जाता है। इस प्रकार से 900 किलोग्राम मीटर या न्यूटन मीटर निकल कर आएगा। इसकी जो इकाई है न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर कह सकते हैं। इस प्रकार से यह जो प्रॉब्लम आपके सामने है ये आसानी से सॉल्व हो गया और इसका आंसर जो आ रहा है वो 900 किलोग्राम मीटर या न्यूटन मीटर आ रहा है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। 8 मीटर ऊंचाई चढ़ने के लिए 70 किलोग्राम भार के व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, यानी कि यहाँ पे यह कंडीशन है कि यदि यहाँ पर एक 70 किलोग्राम का भार है और उस भार को व्यक्ति द्वारा 8 मीटर ऊपर ले जाना है तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो है वह हमें ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर की डायरेक्शन की ओर किसी भार को ले जा रहा है तो उसके नीचे की डायरेक्शन की भी ओर एक फोर्स लगेगा जिसको हम जी से दिखाएंगे, यानी कि वह जो हमारा एक तरीके से गुरुत्वीय बल होगा, उस गुरुत्वीय बल को यूज करेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए। अगर हम यहाँ पर निकालते हैं कि कार्य बराबर F इंटू S, F की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे M इंटू G, यानी कि M जो है उसका मास हो गया और G जो है उसका गुरुत्वीय त्वरण हो गया। अब गुरुत्वीय बल की जो वैल्यू है उसको हमने 9.8 यहाँ पर रखा और 8 मीटर उसकी ऊंचाई हो गई और 70 किलोग्राम उसका मास हो गया। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके 5488 जूल प्राप्त किया गया। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3। 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज व स्थितिज ऊर्जा निकालिए। यहाँ पर जी बराबर दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस प्रश्न में हमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगाना पड़ेगा। जैसा कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको जानकारी है ही है, ½mv². m जो है यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा जिसकी वैल्यू 2 पुट है, और एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात है कि इस वस्तु में मोमेंट हो रहा है या नहीं। वस्तु ऊंचाई पर स्थित है यानी कि उस वस्तु में कोई मोमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि मोमेंट ना होने की वजह से उसका जो वेग है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। वेग की वैल्यू 0 होने के कारण गतिज ऊर्जा का जो मान है वह आपके सामने आ जाएगा 0। अब हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा की जो फार्मूला होती है वह है m इंटू जी इंटू एच। अब हम यहाँ पर h की वैल्यू 10 मीटर रखेंगे जो कि हमें हाइट दे रखी है, g की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वस्तु की द्रव्यमान 2 किलोग्राम दे रखी है तो इसलिए m की वैल्यू भी हम पुट करेंगे। इस प्रकार से 2 × 10 × 10, इस प्रकार से इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 जूल स्थितिज ऊर्जा आसानी से निकल जाएगी। तो इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के लिए जो भी प्रश्न आते हैं इन दोनों फार्मूलों को यूज करके आप निकाल सकते हैं। एग्जामिनेशन में अगर आता है तो हो सकता है कि वो आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है। अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं
और उन चारों ऑप्शन में एक हाफ एम यू स्क्वायर है तो वह आपका काइनेटिक एनर्जी के लिए होगा। अगर ऑप्शन में एम जी एच है तो आपको स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब हम इसके सारांश पे आते हैं। इसका सारांश यह है कि कार्य शक्ति और ऊर्जा का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसके द्वारा हम विभिन्न क्षेत्रों में जैसे इंडस्ट्री हो, कंपनी हो या स्वयं के कारोबार की क्षमता है, कार्य प्रणाली है या अन्य तरीकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। अब यानी अगर आपको कार्य के बारे में पता है, कोई भी कार्य जो है उसको 10 आदमी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है तो हो सकता है कि आप 10 आदमी की जगह 20 आदमी को रख लिया, तो इससे होगा क्या कि आपका जो कारोबार है हो सकता है कि उसमें लॉस हो जाए। तो इस तरीके से आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें कितने पर्सन की आवश्यकता है, कितने पर्सन चाहिए। यह तभी हो सकता है जब आप कार्य के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी रखेंगे या कार्य को कैसे और किस तरीके से हम कर सकते हैं। शक्ति की बात करते हैं। शक्ति का मतलब यानी पावर से है। अगर किसी मशीन को चलाना है और उस मशीन को चलाने के लिए मान लीजिए आपको 100 वोल्ट की ज़रूरत है। अगर 100 वोल्टेज पर वह मशीन चलती है, यदि आपने उसको 10 वोल्टेज दे दिया, 20 वोल्टेज दे दिया या 100 वोल्टेज से ज़्यादा दे दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज या कम से कम वोल्टेज देने से भी तो कोई आउटपुट आपको नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब है कि शक्ति के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऊर्जा यह है कि आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके की ऊर्जा का रूपांतरण किस तरीके की ऊर्जा में हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं केमिकल एनर्जी की, तो आपको पता होनी चाहिए अगर आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं किसी मशीन में, तो इसका मतलब कि उस पेट्रोल से जो मशीन चल रही है, इसका मतलब कि जो उसको आउटपुट मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि वह ऊर्जा किस और फॉर्म में यूज कर सकते हैं, उस पेट्रोल की जगह आपने डीजल यूज कर लिया, कोई दूसरा केमिकल यूज कर लिया, इस तरीके से ऊर्जा का ज्ञान भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही हम इसकी अधिक से अधिक जानकारी के द्वारा भी देश की प्रगति में भी योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार से प्रशिक्षण का सारांश जो हमारा है यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें हमने नेमी पैटर्न का बुक यूज़ किया है, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का बुक है, और इसके जो पब्लिकेशन है अलियन पब्लिकेशन है, और जो राइटर है यश के भटनागर हैं। आज हमने आपको कार्य ऊर्जा और शक्ति पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।